Assalamu alaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. I am Mohammed Munib and welcome back to another vlog. Guys, काफी time जो है मैंने vlog upload नहीं किया है, उसकी बहुत सी reasons हैं, बहुत सी मसाइल हैं. Sure, I will try के जो है वीडियोस आती रहे. हमेशा यही कहता हूँ लेकिन कभी फिर ये बात जो है हो नहीं सकती, बट आई स्टिल से कि इंशाल्लाह ताला आती रहेंगी. तो सब्सक्राइब और शेयर ताकि जो है आपको वीडियोस मिलती रहें और कीप स्माइलिंग. इस टाइम मैं हॉस्टल में हूँ और अभी जो है देखते हैं जाते हैं. एक्चुअली आज के व्लॉग का मेन बात ये है कि मैंने जो लास्ट व्लॉग एक बनाया था यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, तो उस वक्त यूनिवर्सिटी की सारी कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ था. नाउ यूनिवर्सिटी इज़ लाइक 100% चेंज्ड, ठीक है. तो आज हम जाएंगे आपको यूनिवर्सिटी के साथ दिखाता हूँ. और अभी हम लोग आज तो वीकेंड था, आज सैटरडे है तो हम लोग लेट उठे और अभी जाएंगे नाश्ता करते हैं, साथ आपको यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ. डिपार्टमेंट्स बंद हो गए बट यूनिवर्सिटी देखते हैं. भाई मैं तो जल्दी उठने वाला बंदा हूँ, उठ गया था लेकिन व्हाट ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन. नफान जो है उठा नहीं था, उसका मैं वेट कर रहा था तो वो पता नहीं गया था. अभी देखते हैं वापस आया नहीं. अफान किस गम में हो? किसी गम में नहीं. गाइस ये जो है मेरे रूम से व्यू है यूनिवर्सिटी का. ये जो है दूसरा हॉस्टल है और ये ग्राउंड है. वो सामने जो नज़र आ रही है पीछे बिल्डिंग वो डिपार्टमेंट की है. और ये जो राइट वाली बिल्डिंग है ये मेरा डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. ये हमारा जो है बास्केटबॉल कोर्ट आ गया और ये हमारा लॉन आ गया जिसमें बहुत प्यारे फ्लावर्स लगे हैं. और अभी नीचे चलते हैं फिर आगे देखते हैं. ये हमारा हॉस्टल की मेन एंट्रेंस है और ये जो है हम जैसे ही बाहर हॉस्टल से निकलते हैं तो ये लेफ्ट साइड पर दूसरा हॉस्टल आ जाता है और ये हमारा ग्राउंड आ जाता है. और हमारा हॉस्टल देखें डिपार्टमेंट्स के बहुत करीब है तो इसलिए जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता. क्लास में पहुँचते हैं हम जो है 2-3 मिनट पहले निकलें तो क्लास में ईजिली पहुँच जाते हैं. और ये बैडमिंटन में बार बार पता नहीं क्यों बैडमिंटन कह रहा हूँ, हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है जिधर हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं. क्या साहब थोड़ी पश्तो सिखाए यार हमें. किसको? अच्छी सी पश्तो मुझे. आप किधर जा रहे हैं अभी? अच्छा चलो यार एक बात बताओ, अभी हम रोटी खाना खाने जा रहे हैं ना तो इसको पश्तो में किस तरह कहेंगे? ज़रूरे ओखरम राजा. और गैस ये जो है ग्राउंड है जिसके अंदर जो है फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह खेलते हैं सब. और ये रोड जो है सीधा जाता है मेन एंट्रेंस को जहाँ के अभी हम चलते हैं और देखते हैं. इस तरफ मेरे डिपार्टमेंट्स हैं, ये ग्राउंड और सामने डिपार्टमेंट्स, वो सामने मेरा डिपार्टमेंट है और सब जा रहे हैं. और यहाँ से सीधा जो है मेन गेट को चला जाता है रास्ता, हम इस तरफ जाएंगे जो कि इधर जो है आगे कैफेटेरिया आ जाता है और आगे जो है फिर जाके दूसरा गेट नंबर 2 आ जाता है और हम इसे यूज़ करते हैं ज़्यादा बाहर जाने के लिए. अभी मेरे राइट पे जो है ये लाइब्रेरी है और लेफ्ट पे जो है वो बंगलोज हैं जिधर जो है हमारे टीचर्स वगैरह रहते हैं. और हम जब आए थे तो लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ जो है वो स्टडी वगैरह की बुक्स थी. अभी कल मैंने देखा है तो नई बुक्स आई हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, नॉवल्स भी थे कुछ. और ये लाइब्रेरी है, आज ये भी बंद है नहीं तो कल या परसों फिर कभी जो है ना इसका टूर करेंगे और डिपार्टमेंट्स में भी जाएंगे. ये हमारा कैफेटेरिया है, अंदर अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं खाना खाने. तो इस टाइम हम लोग पहुँच जाए इधर हमारे गेट नंबर 2 पे यूनिवर्सिटी है, पीछे मेरा पार्किंग है, उस तरफ जो है वो शॉप है और ये मेरे पीछे जो है गेट है. आज जब व्लॉग का कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मेरा स्क्वाड पूरा नहीं है, रॉकी भाई भी नहीं है और फरमान भी नहीं है और सिर्फ ये अफान है, ये भी आज कुछ चुप चुप हुआ हुआ है, पता नहीं अब थोड़ा सीन आज इसका समझ है. बिल्कुल कुछ नहीं, ये बीमार है यार वैसे, और कुछ नहीं समझना, ये आज बीमार है. वैसे तो इसके काफ़ी रफड़े चलते रहते हैं लेकिन ये कि आज ये बीमार है वाकई. और गैस ये जो है ये हमारी यूनिवर्सिटी का जो है मेन गेट है, मेन एंट्रेंस और गेट नंबर 1. और हम लोग गेट नंबर 2 से आए हैं क्योंकि अभी ये पता नहीं किस कुछ रीजन की वजह से बंद हुआ हुआ है तो इसलिए हमें उधर से आना पड़ा है. और ये जो है गेट नंबर 1 है. पीछे जो नज़र आ रही है बिल्डिंग ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की वजह से जिसमें हम लोग अभी चलते हैं बाद में. खाना पीना है कि नहीं? आप तो सफाई सफाई पे लगे हैं.
कैसे भी हम लोग आए हैं कोयटा होटल, ये जो है मेरे ख्याल से इधर जो है ना इधर का बेस्ट होटल है ना फान, मेरे ख्याल से बेस्ट चीज़ होती है इधर, पराठे मिलते हैं और चाय अभी हमने ऑर्डर की है, अभी आती है तो आपको बताते हैं क्या, और अंडे वगैरह। Six and a half hours later. I have an open invitation. Guys, अभी नाश्ता वगैरह कर लिए, अभी जो है हम लोग वापस जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। अभी फिर आपको बताते हैं, अभी फ़ोन में जब बैटरी भी लो होगी है, लेकिन लाइफ के मसाइल यार कभी ख़त्म नहीं होते हैं। फ़ोन में बैटरी भी लो होगी है और अभी जो है देखते हैं कि हम कितना जो है वीडियो और बना सकते हैं। आई होप कि थोड़ी सी यूनिवर्सिटी और आपको दिखा दूँ अगर मैं, तो अच्छा हो जाएगा। अभी हम वापस आ गए गैस, दो तीन चीज़ें लेनी थी, बाज़ार चले गए थे और वी आर बैक नाउ। रास्ते में कामरान मिल गया था, वो सामने से जा रहे आगे से, चले हैं जाते हैं उधर, फिर आपको भी बाकी दिखाता हूँ। कामरान अस्सलाम वालेकुम। अभी रास्ते में मिल गया, बाय द वे पहले मैं बता दूँ कि यार ये हमारा एक कॉम्पिटिशन हो रहा है अभी, उसमें कौन सी टीम है मुझे नहीं पता, उसका क्या नाम है, केपी क्या, इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स। और ये जो है हमारी टीम में, हमारी क्लास की, हमारे डिपार्टमेंट में शायद आप ही हो, सिर्फ ये फुटबॉल में, तो विश हिम बेस्ट ऑफ लक। और ये जो लेफ्ट पे है, अच्छा ये राइट पे कैफेटेरिया आ जाता है, वो रोड जिस पे हम चल रहे थे वो उधर से चला जाता है सीधा डिपार्टमेंट्स की तरफ, और ये एक छोटी सी गली है बहुत प्यारी, और इधर ट्रीज़ हैं, हमेशा साया रहता है। लेफ्ट पे बैडमिंटन कोर्ट आ जाता है जो कि एक ही है, अभी ये दूसरा जल्द बन जाएगा। उस तरफ पीछे वी सी ऑफिस है और ये मेरा फेवरेट ट्री है बाय द वे। और गाइस इधर हम आ जाएँ तो उस वाले जो है रोड से हम इधर आ गए, और ये जो है वीसी ऑफिस वगैरह है इधर, इस तरफ जो है पार्किंग है, इस तरफ दूसरा गेट है, इस तरफ गेट नंबर 2 है, जिधर हम निकले थे वो गेट नंबर 3 है, और ये ऑफिसेज हैं। ये भी बहुत प्यारी जगह है, इधर जो है कम ही लोग नज़र आते हैं, और आज तो जो है वो वीकेंड है, तो ये FIP वाले ही मुझे सारे नज़र आ रहे हैं जितने भी हैं। ये हमारा स्पेशलिस्ट FYP ज़ुल्करनैन अंबल भाई एंड मोहम्मद शाह साहब। रुके ना अंबल भाई, अब आप हमें पूछते ही नहीं है, आपका FYP कैसा चल रहा है, कितने FYP आप हैंडल कर रहे हैं इस टाइम पे? बस FYP में लगी हुई। अच्छा आपका प्रोजेक्ट क्या है, क्या बनाएंगे हमारे लिए नई चीज़? बहुत काम है, मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट है, माशाल्लाह की बहुत ज़रूरत है, बेशक रिसर्च के लिए हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स से, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स से मिलते हैं। और बाकी यूनिवर्सिटी यार कितनी चेंज हुई है आप बताएंगे व्यूअर्स को? बहुत सी चेंज आई यूनिवर्सिटी में, जब ये मेन गेट आ जाता है इस तरफ, और इस तरफ जो है व्यू भी नहीं था आपको तो अच्छा, और ये अभी नए फ्लोर्स भी लगाए हैं इधर लेफ्ट पे, ये मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आ जाते हैं, हमारा डिपार्टमेंट वो सामने, वो सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो हमारा हॉस्टल की है, और ये मस्जिद ऑफ कोर्स, हम अभी इधर साइड से हो गए हैं। गाइस यू कैन नॉट इवन इमेजिन यार कि जब हम इधर आए थे क्या हालत थी, ये सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये रोड वगैरह का तो नामो निशान ही था, इधर सारी मिट्टी पड़ी हुई थी। अच्छा गाइस अभी हम जाते हैं इस तरफ से जिधर हम पहले नहीं आए, हम उस तरफ से आए थे और अभी घूम के हम इधर आ गए। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, वो कामरान को कुछ काम था वो चला गया और अफान पहले चला गया था, और ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग आपको दिखाऊं। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आ गया जो है हमारा वो आ जाता है सिविल डिपार्टमेंट, और ऊपर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, और ये भी न्यू बिल्डिंग है, और ये न्यू लॉन्स, और ये जो डिपार्टमेंट है इसको अभी शायद रिन्यू करेंगे, ये पहले था लेकिन अभी तो शायद इतना यूज़ में भी नहीं है, टेलीकॉम का था गैस, नहीं टेलीकॉम का नहीं किसी और का था। वो सामने मस्जिद, ब्यूटीफुल लॉन, और ये हमारा मैकेनिकल, और ये ओरिएंटेशन डे था जब तक की। ऐसे इधर से आगे सीधा सीधा जाएँ तो हमारा वापस डिपार्टमेंट आ जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और वो सामने दूर जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो हमारे हॉस्टल की बिल्डिंग है। यार मेरा ब्लॉग का कॉन्टेंट है हॉस्टल लाइफ, एंड हॉस्टल लाइफ इज़ ऑसम, इसको ना मिस करो, कोशिश करो कि हॉस्टल लाइफ में आओ, ज़रूर आओ आप लोग, ठीक है। ये डिपार्टमेंट की जो है मैन इंट्रेंस है, और पाकिस्तान का एजेंडा ऑफ कोर्स इधर, और इस तरफ जो है मेरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
मैं कल या परसों मैं कोशिश करूंगा जिस दिन वीकेंड ना हो तो उस दिन मैं व्लॉग बनाऊँ, तो आपको लैब्स वगैरह भी दिखा लूँगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे यार लैब्स वगैरह कैसे हैं, प्रैक्टिकल काम होता है या नहीं होता। यार यूनिवर्सिटी के हिसाब से जितने क्वेश्चंस हैं ना आप ज़रूर किया करो, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम। और जिधर एक एक बात बहुत ज़्यादा जो है पूछी गई, यार प्रैक्टिकल काम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, सिंपल आंसर इज़ येस, ऑल द वर्क इज़ प्रैक्टिकल। यार करवाते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल करवाते हैं, कोई नहीं आपको सिखाएगा, कोई नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और सभी जो है हमारा आ गया है वो, और ये पीछे आ जाता है हमारा वापस बास्केटबॉल कोर्ट। और अभी यार हॉस्टल आ गया। तो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड माय न्यू यूनिवर्सिटी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, अस्सलाम वालेकुम।